मोतिहारी के केसरिया में एक हफ्ते पहले हुई प्रिंस और नीतीश की हत्या के बाद जहानाबाद के लोजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार दुखी परिवारों के घर पहुंचकर मृतक के परिवार वालों को संतावना दिया और कहा कि बिहार सरकार से वो मुआवजा राशि की मांग करेंगे एवं दोषी को निश्चित रूप से सजा दिलाने की भी बात कही। वहीं पूर्व सांसद ने पत्रकारों को बताया कि पूर्वी चंपारण के एसपी से बात की और एसपी ने कहा कि जल्द ही बाकी हत्यारों की भी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो कुर्की जब्ती की जाएगी। संयोग ये है कि हत्या करने के बाद भी वो लोग केस करने गए थे, लेकिन केसरिया थाना ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया है, तीन आदमी। उसके बाद जो तीन आदमी हैं, ये छह लोग मुख्य रूप से थे और कुछ लोग थे दाएं बाएं, लेकिन मुख्य रूप से छह थे, जिसमें तीन की गिरफ्तारी हुई है, तीन फरार हैं। आज इस सिलसिले में मैंने मोतिहारी पुलिस अधीक्षक से भी बात की है अभी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा है कि यदि गिरफ्तार नहीं कर पाए, ये लोग फरार रहे, तो हम कुर्की की जब्ती जरूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे। कोर्ट से आदेश लेकर के हम कुर्की की जब्ती करेंगे और इस केस का स्पीडी ट्रायल करेंगे। यह बहुत हीनियस स्तर का क्राइम है, बेवजह